हिजबुल्ला के कमांडर की बात करेंगे जो इन दिनों इसराइल के निशाने पर हैं। नसरल्लाह के बाद एक हिजबुल्ला के कई कमांडर मारे जा चुके हैं। इसराइल ने हिजबुल्लाह के एक और कमांडर ईद हसन नशर को मार गिराया है। वो हिजबुल्लाह के रॉकेट यूनिट का कमांडर था और इस खबर से हिजबुल्लाह कैंप में अब एक नई तरह की दहशत फैल गई है। इसराइल के फाइटर जेट अब अगले कौन से मिशन पर जाने वाले हैं, ये रिपोर्ट देखकर आप चौंक जाएंगे। अभी तक दुनिया ने गजा के रफा से लेकर खान यूनुस और लेबनान में बेरूत के धमाके देखे हैं। यमन के हुदैदा में भी आग लगी हुई है। इन हमलों के पीछे इजराइल का सबसे बड़ा हथियार अब दुनिया के सामने आ गया है। नेतन्याहू ने फाइटर जेट दिखाया, नेतन्याहू ने पायलट भी दिखाया, नेतन्याहू ने बम भी दिखाया जो गजा से लेकर बेरूत और यमन में तबाही मचा रहे हैं। नेतन्याहू ने एयरफोर्स का कमांड सेंटर भी दिखाया जहां एक एक हमले की ब्रीफिंग हो रही है। किसी भी एयरफोर्स में ऐसी ब्रीफिंग ऑपरेशन से पहले या उसके बाद होती है। फाइटर पायलट्स के साथ कमांडर होते हैं। मिशन में जो टारगेट उड़ाए गए उन पर बात होती है, जो नए टारगेट सेट होते हैं उन पर रणनीति बनाई जाती है। इजरायली वायुसेना अब नए हमले के लिए तैयार है। यह है इसराइल को अमेरिका से मिला F-15 लड़ाकू विमान जिसकी रेंज में लेबनान भी है और यमन भी। ये रिफ्यूलिंग के बाद ईरान में भी ऑपरेशन कर सकता है और यही फाइटर जेट इस वक्त इसराइल के हमलों को धार दे रहा है। अब देखिए कि इसराइल का नया टारगेट कौन कौन है। इसराइल के टारगेट पर तीन लोग हैं। पहले टारगेट पर लेबनान के मिलिशिया हिजबुल्ला के नए चीफ हाशिम सफुद्दीन का नाम है। दूसरे टारगेट पर यमन के मिलिशिया हूती की लीडरशिप यानी अब्दुल मलिक अल हूती का नाम हो सकता है। और अगर युद्ध ईरान की दहलीज तक पहुंचा तो ईरान की लीडरशिप इसराइल के टारगेट पर होगी, इसमें कोई शक नहीं। नेतन्याहू ने एयरफोर्स का वीडियो दिखाया तो इसराइल की मीडिया ने हिजबुल्ला के डेप्यूटी चीफ शेख नईम कासिम का ये वीडियो दिखाया। ये वीडियो एक सीक्रेट लोकेशन का है। वीडियो में नईम कासिम को बार बार पसीना पोंछते देखा जा सकता है, यानी डर हिजबुल्ला के नए बंकर तक पहुंच गया है। फिर भी हिजबुल्ला के डिप्टी चीफ शेख नईम कासिम ने कह दिया है कि इसराइल के ग्राउंड ऑपरेशन के लिए हिजबुल्ला पूरी तरह तैयार है। वो अपने कमांडरों की मौत से घबराया नहीं है। हिजबुल्ला के डिप्टी चीफ शेख नईम कासिम ने कह दिया है कि इसराइल के ग्राउंड ऑपरेशन के लिए हिजबुल्ला पूरी तरह तैयार है। वो अपने कमांडरों की मौत से घबराया नहीं है। وتختار القرى قرية قرية حتى لا يبقى قرية ولا بيت إلا وآثار إسرائيل العدوانية فيها يتعتدي على المدنيين وعلى الهيئات الصحية وعلى كشافة الرسالة وعلى كل الذين يسيرون। इस वक्त हिजबुल्ला के नए चीफ के लिए हाशिम सफीद्दीन का नाम फाइनल हो चुका है और ये शख्स अभी इसराइल का प्राइम टारगेट बन चुका है। ये ऐसी बात है जिसका ऐलान इसराइल कागजों में नहीं बल्कि अपनी बमबारी से करना पसंद करेगा। सवाल है कि हाशिम सफीद्दीन कौन है। हाशिम सफीद्दीन की कुंडली पर पूरी दुनिया की नजर है। 1964 में जन्मा सफीद्दीन हसन नसरल्ला का चचेरा भाई है। उसके पास हिजबुल्ला के कार्यकारी परिषद की जिम्मेदारी है। ईरान के कौम में पढ़ाई करने वाले हाशिम सफीद्दीन को 90 के दशक से नसरल्ला के उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जाता रहा है। अमेरिका ने सफीद्दीन को 2017 में आतंकी घोषित किया था। हिजबुल्ला के नए चीफ के तौर पर सफीद्दीन के नाम का अभी तक ऐलान नहीं किया गया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या सफीद्दीन को डर है कि वो भी कहीं
इसराइल की बमबारी का शिकार नहीं बन जाएगा। हाशिम सफीद्दीन की चेतावनी को इसराइल बहुत गंभीरता से ले रहा है। हिजबुल्लाह कैसे युद्ध लड़ता है ये इसराइल पहले भी देख चुका है, लेकिन इस बार इसराइल ने हिजबुल्लाह की पूरी लीडरशिप को खत्म करने का फैसला किया है। जबकि इसराइल का सबसे बड़ा समर्थक अमेरिका युद्ध नहीं बल्कि सीज फायर चाहता है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद हमास चीफ यहया सिनवार बहुत ज्यादा तनाव में है। गाजा में वो अपनी लोकेशन बार बार बदल रहा है। सिनवार को ऐसी जगह पर ट्रैक किया गया, उसको मतलब पकड़ा गया है लोकेशन उसकी ट्रैक करके, जहां उसके होने की किसी को उम्मीद तक नहीं थी। आखिर कौन सी जगह है वो, आइए देखते हैं। नसरल्ला की मौत के बाद सिनवार सुरंग में भाग रहा है। अपनी जान बचाने के लिए सिनवार दौड़ रहा है। सिनवार कभी इस सुरंग में पना ले रहा है, कभी उस सुरंग में। वो अपनी लोकेशन लगातार बदल रहा है। नेतन्याहू की आईडीएफ का खौफ उसके दिलो दिमाग में इस कदर छा चुका है कि सिनवार को रात में नींद नहीं आ रही है। आंखें बंद करते ही उसे इसराइल के बंकर बस्टर बम का ख्वाब आ जा रहा है और वो फिर से अपनी लोकेशन बदल ले रहा है। मारा गया नसरल्ला, सिनवार का अगला नंबर। लगातार लोकेशन बदल रहा है सिनवार, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस साथ नहीं रख रहा। हमास चीफ अपनी ही खोदी सुरंगों में फंसकर रह गया है। सऊदी अरब के अल अरबिया चैनल ने एक रिपोर्ट में बताया कि नसरल्ला की मौत के बाद यहया सिनवार एक बार नहीं कई बार अपने ठिकाने बदल चुका है। यानी कहा तो सिनवार ने इसराइल को बर्बाद करने की कसम खाई थी, और अब नेतन्याहू ने सिनवार की ऐसी हालत कर दी है कि अब उसके पास जिंदा रहने के लिए भी कोई सुरक्षित पनाहगाह नहीं बची। नेतन्याहू ने हमास की सबसे बड़ी ताकत यानी उसकी सुरंग में ही उसे कैद कर दिया है। नसरल्ला को खत्म करने के बाद इशारों इशारों में नेतन्याहू ने सिनवार को भी बता दिया है कि उसके अच्छे दिन अब खत्म हो गए हैं। יש לנו הישגים גדולים, אבל המלאכה עדיין לא הושלמה. בימים הקרובים אנחנו נעמוד בפני אתגרים משמעותיים ונעמוד בהם יחד. ולמשטר האייתולות אני אומר, מי שיכה בנו, אנחנו נכה בו. אין מקום באיראן או במזרח התיכון. नेतन्याहू दहाड़ रहे हैं, और नेतन्याहू की ये दहाड़ शेखी भगाड़ने में मशहूर हमास चीफ यहया सिनवार तक भी पहुंच रही है। नेतन्याहू का ये रूप देखकर पहले ही डरा दुबका सिनवार अब भीगी बिल्ली बन चुका है। इस्माइल हानिया के बाद सिनवार ही इसराइल का सबसे बड़ा टारगेट है। इसराइल का पहला दावा है कि उसने गाजा के बॉर्डर के आसपास 80% सुरंगों को पूरी तरह तबाह कर दिया है। यानी गाजा से बाहर जाना अब सिनवार के लिए मुश्किल है। इसराइल का दूसरा दावा है कि हमास की रफा ब्रिगेड पूरी तरह तबाह हो चुकी है, और ये सिनवार को बहुत बड़ा झटका है क्योंकि यही ब्रिगेड इस वक्त सिनवार को सुरक्षा दे रही है। सिनवार को लेकर मिस्ट्री इस लेवल पर पहुंच चुकी है कि अब गाजा में हमास का खात्मा पक्का माना जा रहा है। लेकिन गाजा के बॉर्डर पर 80% सुरंगों को तबाह किए जाने का मतलब है कि सिनवार जहां है वहीं फंसा रह जाएगा। सुरंग के हाल कुछ इस तरह हो सकते हैं कि सिनवार सुरंगों के हर दरवाजे को चेक कर रहा हो। जब वो सुरंग नंबर एक के दरवाजे पर जाता हो तो वहां पता चलता हो कि दरवाजा इसराइल के हमले में सील हो चुका है। वो सुरंग नंबर दो के दरवाजे पर भी गया हो, वहां भी सील मिला हो,
सिनवार सुरंग नंबर 3 के दरवाजे पर भी गया, लेकिन वहां रास्ता बंद मिला। सुरंग नंबर 4 में भी सिनवार को यही मायूसी मिली। उसकी उम्मीद दूसरे रास्तों पर टिकी है, लेकिन सुरंग नंबर 5 वाला एग्जिट डोर भी बंद है, क्योंकि इजराइल का दावा है कि 80% सुरंग तबाह कर दी गई है। सिनवार जहां भी है, जैसा भी है, ये बात तय है कि वो फंसा हुआ है। उसके बाहर निकलने का मतलब मौत है, और उसके सुरंग में फंसे रहने का मतलब भी मौत माना जाएगा। लेकिन इस्माइल हानिया की हत्या के बाद सिनवार के सिर पर अब ऐसी जिम्मेदारी डाल दी गई है जो हमास का कोई और कमांडर उठाना नहीं चाहता। इसराइल की सेना जिस तरह से अपने दुश्मनों को ढेर कर रही है, उससे सिनवार घबराया हुआ है, और नसरल्ला के मारे जाने के बाद से वो बेहद डरा हुआ है, सहमा हुआ है, और उसकी जीवन का एक एक पल खौफ के साए में गुजर रहा है। एक तरह से याहिया सिनवार के सिर पर मौत नाच रही है। हमास की लीडरशिप संभालने के बाद एक तरह से सिनवार को मौत की दावत मिल चुकी है। सिनवार कब मारा जाएगा, अब उसका फैसला नेतन्याहू को करना है, क्योंकि गाजा पर 100% कंट्रोल तो इसराइल का ही है, और हानिया की हत्या के बाद अब इसराइल का अगला टारगेट याहिया सिनवार ही है। सवाल है कि क्या नया चीफ बनाकर एक तरह से सिनवार को कफन पहना दिया गया है, और हमास ने अपनी नई लीडरशिप को तैयार करने से पहले ही उसके खत्म होने का ऐलान कर दिया है। इजराइल के स्पेशल फोर्स का पूरा फोकस अब याहिया सिनवार पर है। वो गाजा का चप्पा चप्पा छान रहे हैं। इस्माइल हानिया के बाद याहिया सिनवार ही लाइमलाइट में है, इसलिए गाजा में उन सुरंगों को तलाशा जा रहा है जहां सिनवार के छुपे होने की खबर मिल रही है। इजराइल की फोर्स 2400 घंटे इसी मिशन पर लगी हुई है। वो हानिया के बाद अब किसी भी हालत में सिनवार को मौत के घाट उतारना चाहती है। החזית הצפונית היא ברורה, להשיב בביטחון את תושבי הצפון אל בתיהם. כדי לעמוד במטרה הזאת, אנחנו נדרשים להרחיב את מטרות המלחמה ולכלול בתוך הנושא הזה את החזרת תושבי הצפון אל בתיהם בגבול הצפון בביטחון. המהלך הזה לא יפחית את המחויבות המוחלטת שלנו לחיסול החמאס ולהשבת החטופים. ואת ההצעה הזאת אחרי שנגבש אותה. לכן גזה כיוד חתם נהי הוא היה. गाजा में इजरायली सेना पर हमास की रफा ब्रिगेड के कुछ हमले देखिए। इन हमलों ने इजरायल की सेना को बहुत परेशान कर दिया है, जिस हमास को खत्म करने के लिए पूरे गाजा को इजरायल ने मिट्टी में मिला दिया है। जिस हमास को खत्म करने के लिए इजरायल रफा से लेकर खान यूनुस तक बम बरसा रहा है। 40,000 से ज्यादा लोग इस बमबारी में मारे जा चुके हैं। उसी गाजा में इजरायल को हमास से अभी भी लगातार झटके मिल रहे हैं। आखिरी बार जब इजरायल के कमांडो सिनवार के करीब पहुंचे थे, वो दिन था 31 जुलाई। इजरायली कमांडो जब दक्षिण गाजा में उस सुरंग में पहुंचे जहां सिनवार के छुपे होने की खबर थी, तब तक सिनवार वहां से भाग चुका था, लेकिन वहां जो मिला उसे देखकर इजरायल की फौज दंग रह गई थी। इस सुरंग में सिनवार के पास थे 83 करोड़ रुपए, जिन्हें छोड़कर वो भाग गया। जहां सिनवार छुपा हुआ था, वहां ये रकम सिनवार ने अपने पास रखी हुई थी। अब सवाल है कि सिनवार इतनी बड़ी रकम का क्या कर रहा था। इसमें कोई शक नहीं कि सिनवार बहुत चालाक है। वो हमेशा से हमास का बहुत ही सयाना कमांडर माना जाता रहा है। यही वजह है कि अब तक वो जिंदा भी है, और इजराइल की सेना उसे लाख कोशिशों के बावजूद नहीं मार पाई है। इसराइल की इंटेलिजेंस से सिनवार के बारे में बहुत चौंकाने वाली बात पता चली है, जिसकी वजह से गाजा में उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया है। सिनवार इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन यानी मोबाइल या सैटेलाइट फोन जैसी कोई चीज इस्तेमाल नहीं करता। अपने बमबाज दस्तों को मैसेज पहुंचाने के लिए वो ह्यूमन कुरियर सिस्टम यानी हमास के लड़ाकों को ऑर्डर देता है। साफ है, नसरल्ला की मौत के बाद याहिया सिनवार बेहद ही डर चुका है। अपनी ओर से वो कोई भी चूक करना नहीं चाहता। दूसरी ओर इजराइल की राजनीति इस वक्त तलवार की धार पर चल रही है। माना जा रहा है कि नेतन्याहू का कार्यकाल तब तक चलेगा जब तक युद्ध जारी रहेगा। इसलिए
इसलिए हमास के कब्जे से बंधकों को आजाद कराने और सीज फायर ना करने को लेकर नेतन्याहू के खिलाफ इसराइल के अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इन लोगों को देखिए, दक्षिण इसराइल के किबुत्स निरिम इलाके में ये वो लोग हैं जिनके रिश्तेदारों को हमास ने बंधक बनाया हुआ है, लेकिन नेतन्याहू सीज फायर के लिए राजी नहीं है।